आपने क्या खूब कहा है, इतना आसान नहीं होता जीवन का हर किरदार निभा पाना, इतना आसान नहीं होता जीवन का हर किरदार निभा पाना, इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपको अपने यूट्यूब चैनल सतरंगी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 1 अप्रैल दिन गुरुवार कैसे रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे रहेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आएगा संपूर्ण राशि बल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। दोस्तों कमेंट में ओम साईं राम जरूर लिखना। दोस्तों जो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करेगा साईं बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। अगर दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन ही है अवगुण, इसे जल्द से जल्द दूर करने का करें प्रयास। जी हाँ दोस्तों, आज चाणक्य की ऐसी तमाम बातें हैं जो व्यक्ति के अवगुणों को खत्म कर उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाती हैं। आचार्य चाणक्य ने इन बातों का जिक्र अपने महान ग्रंथ चाणक्य नीति में किया है। उसी चाणक्य नीति में व्यक्ति के एक अवगुण को सबसे बड़ा शत्रु बताया है। आइए जानते हैं वो कौन सा शत्रु है। दोस्तों ईर्ष्या यानी जलन को आचार्य चाणक्य व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। उनका मानना था कि ईर्ष्या आपके महत्व को दूसरों के नजरों में कम कर देती है। जब कभी कोई व्यक्ति किसी से ईर्ष्या रखता है तो वो कभी स्वयं की कमियों पर ध्यान नहीं दे पाता है। उसको हर पल लगता है कि वो स्वयं तो कड़ी मेहनत करता है लेकिन दूसरे को सब कुछ बड़ी आसानी से मिलता जा रहा है। दोस्तों व्यक्ति के मन में हर वक्त यही बात रहती है कि वो कैसे सामने वाले को कामयाब होने से रोके। इसके लिए वो कई बार प्रयास भी करता है लेकिन गलत दिशा में किए गए प्रयास उसके जीवन को भी परेशानियों में ढकेल देते हैं। ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन समय और धन तो खर्च करता है, इसके अलावा उसे मानसिक शांति भी कभी नहीं मिलती है। दोस्तों ईर्ष्या करने वाला शख्स वास्तव में किसी दूसरे का नुकसान नहीं करता बल्कि स्वयं का नुकसान करता है। द्वेष में आकर किए गए गलत प्रयास उसकी छवि को धूमिल करता है। समाज में उसके मान प्रतिष्ठा में कमी आती है, इसलिए यदि बाकी सफल होना है तो किसी की सफलता से चिढ़ने की बजाय स्वयं की कमियों पर ध्यान दो और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों ये देखो कि सफल व्यक्ति आखिर ऐसा क्या अलग करता है जो आप नहीं कर पाते हैं, उसके गुणों से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि जीवन में आगे पढ़ना है तो ईर्ष्या के इस अवगुण को जल्द से जल्द छोड़ देना ही हित करे। ईर्ष्या की बजाय दूसरों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों आज का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग के बारे में। आज का पंचांग है 1 अप्रैल 2021 दिन गुरुवार, आय की तिथि है चतुर्थी तिथि, आय का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, ऋतु चल रहा है बसंत ऋतु। आज सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर। दोस्तों आय का शुभ समय है दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है सुबह 10:20 से 4:09 तक रहेगा। दोस्तों आय कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 5। अब बात करते हैं दोस्तों आय कन्या राशि फल के बारे में कैसे रहेगा आपका आय का दिन, आई जानते हैं। कन्या राशि वाले आज आप धैर्य बनाए रखें क्योंकि आपकी समझदारी और प्रयास आपको सफलता जरूर दिलाएंगे। जो लोग दुग्ध उद्योग से जुड़े हैं उन्हें आज आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है। आपका गर्मजोशी भरा बर्ताव घर का माहौल खुशनुमा कर देगा। कुछ ही लोग ऐसे इंसान के आकर्षण से बच सकते हैं जिसके पास इतनी प्यारी मुस्कान हो। जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपकी महक फूलों की तरह चारों ओर फैलेगी। रोमांस के लिए बढ़ाए गए कदम असर नहीं दिखाएंगे। मशहूर लोगों से मेलजोल आपको नई योजनाएं और आइडिया सुलझाएगा। आपका चुंबकीय और जिंदा दिल व्यक्तित्व आपको सबके आकर्षण का केंद्र बना देगा। जीवन साथी से बिना पूछे योजना बनाएंगे तो उनकी ओर से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। दोस्तों किसी नजदीकी मित्र का सुझाव व सलाह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। ये समय आपके लिए उन्नतिदायक है, इसका उचित सहयोग करें। दोस्तों सामाजिक गतिविधियों में आपका रुझान बना रहेगा तथा आप स्वयं को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना करेंगे तथा आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। धन संबंधी मामलों में आपको किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह की जरूरत पड़ेगी। निवेश फंड आदि से जैसे मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। दोस्तों व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय, आपको उचित सलाह तथा सुझाव भी मिलेंगे। मीडिया कंप्यूटर आदि जैसे व्यवसाय में बेहतरीन सफलता मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों को कोई ऑफिशियल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। पति पत्नी के बीच प्रेम भाव बना रहेगा तथा घर में सुख शांति भरा माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों का नकारात्मक प्रभाव आपकी घर की सुख शांति को भंग कर सकता है। जोड़ों तथा घुटनों का दर्द परेशान करेगा। वायु और बादी वाली चीजों का सेवन बिल्कुल न करें तथा फिजियोथेरेपी जरूर करवाएं। दोस्तों प्रेम संबंध अनुकूल रहेंगे। रिश्तों में किसी भी प्रकार की असहमत आसानी से सुलझ जाएगी। परिजनों से सहायता तथा समर्थन प्राप्त होगा। कोई शुभ कार्य भी परिवार में आयोजित किया जा सकता है। आप दोस्तों आज आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ये खबर आपकी तरक्की, वेतन वृद्धि, इच्छित
स्थान पर स्थानांतरण आदि से संबंधित हो सकती है। आप आज व्यवसाय संबंधित आत्मविश्वास में बढ़ जाएंगे, आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में रहेंगे और सभी गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों आज आप सक्रिय रहेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बेहतर होगी, आनंद की भावना आपके स्वास्थ्य को पूर्ण रूप से नियंत्रित रखने में सहायक होगी। आज आप पर्याप्त शारीरिक व्यायाम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज आप अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विशेष ध्यान देंगे, किसी व्यक्ति के साथ एक भावात्मक संबंध स्थापित होगा, आप बहुत ही सृजनात्मक महसूस करेंगे। व्यावसायिक दौरे आपके लिए लाभदायक रहेंगे, आपकी यात्राएं आरामदायक और सफल साबित होंगी। आपके लिए आज भाग्य के नए द्वार खुल जाएंगे, आप थोड़े से प्रयासों से ही महान उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों आज आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी, कार्यस्थल पर आपकी मान मर्यादा बढ़ेगी, इस राशि की नौकरी पैसा लोगों को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, सीनियर्स के सहयोग से आज आपका कोई जरूरी काम पूरा हो जाएगा, आपके प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे, व्यापार में अचानक से धन लाभ का अवसर प्राप्त हो सकता है, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आज आप अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करेंगे, ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल डालकर नहाएं, आपके सभी काम बनेंगे। दोस्तों आपके चौथे घर का स्वामी बृहस्पति आपके पंचम भाव में होगा, जो ये दर्शाता है कि आप अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप इस दिन के दौरान विशेष रूप से शुरुआती दिनों के दौरान जब बुध आरोग्य ग्रह बच्चों के पांचवें घर में परागमन करेगा, तब अपने आपको बच्चों की जरूरतों और आवश्यकता पर ज्यादा ध्यान देंगे। आठवें घर का स्वामी मंगल आपके चौथे घर को भी देख रहा है, जो फिर से इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपके घर के सदस्यों के साथ कुछ गलतफहमी और वाद विवाद हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस दौरान आप अपने परिवार के साथ आनंद लेने में व्यस्त रहेंगे, लेकिन उन्हें खुश करने और उन्हें पूरी तरह से अपने साथ का एहसास कराने में आपका सारा समय निकलने वाला है। तो दोस्तों ये था आज का कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों आज गुरुवार है, साईं बाबा का दिन है। दोस्तों घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से साईं बाबा की पूजा आराधना करते हैं तो साईं बाबा आपकी जरूर सुनेंगे और आपकी सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और रोज कन्या राशिफल देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों ये आज का राशिफल अपने दोस्तों में शेयर करना, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।